किया है। आजम खां का करीबी बताया जा रहा है आले हसन, जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। आले हसन खान उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड पुलिस अफसर है आले हसन खान। आले हसन पर करीब 56 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस आले हसन को लेकर पुलिस लाइन पहुंच चुकी है और इसी के साथ अरेस्टिंग उसके बेटे की भी साथ में की गई है। आजम खां का करीबी बताया जा रहा है आले हसन, 56 से ज्यादा केस इस पर दर्ज है बताया गया है। और पुलिस आले हसन को लेकर अब पुलिस लाइन पहुंच चुकी है, साथ ही साथ इसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये आजम खां का करीबी बताया जा रहा है आले हसन, जिसको पुलिस ने किया अरेस्ट। साथ ही साथ उसका बेटा भी पुलिस की गिरफ्त में है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट से दोनों की गिरफ्तारी की है और रिटायर्ड पुलिस अफसर बताया जा रहा है आले हसन खान। ओमपाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर। ओमपाल, आले हसन और उसके बेटे को अरेस्टिंग के बाद पुलिस इन पर कैसे कार्रवाई करी और किस वजह से अरेस्ट किया है, सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, आजम खान साहब बेहद करीबी हैं आले हसन, जब जब उनकी सरकार रही है तब तब बड़े पदों पर वो रहे, सीओ सिटी रहे, थानेदार रहे, और इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, मारपीट की है और नाजायज तरीके से उनकी जमीनों को दूसरे लोगों पर कब्जा कराए हैं। एक आरोप तो ये भी है कि यूनिवर्सिटी इलाके में जो लोग रहते थे उनकी जमीनों पर कब्जे कराने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इन पर तमाम सारे मुकदमे, जैसे ही सपा की सरकार गई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तभी से जिस तरह से आजम खान पर शिकंजा कसा गया, उसके अलावा उनके करीबियों पर भी तमाम सारे मुकदमे दर्ज हुए। यही वजह थी कि आले हसन पर तमाम मुकदमे दर्ज हुए, कुर्की के आदेश हुए, तब आले हसन जब कुर्की के आदेश हुए तो आजम खान साहब खुद कोर्ट में पेश हुए और आज उससे पर शायद आले हसन भी चलने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब पुलिस के अफसर बता रहे हैं कि इनके खिलाफ तमाम सारे केसेस दर्ज थे, तमाम सारे केसों में इनके घर 82 के नोटिस चस्पा किए थे, लेकिन आले हसन पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना ही कोर्ट में ना ही हमारे पास आकर के बता रहे थे। तो इन सब चीजों को लेकर अब पुलिस के अफसर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने वाले हैं कि कितने मुकदमों में वो फरार चल रहे थे, कितने मुकदमों में वो वांछित चल रहे थे।